कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकमात्र पहलवान रहे जगदीश कुमार का बिलासपुर के लखनपुर में हनुमान अखाड़े के शुभारंभ अवसर पर दर्द सामने झलक कर आया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुश्ती प्रतियोगिताओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हालांकि इसके विपरीत कोई भी कुश्ती एकेडमी प्रदेश में स्थापित नहीं की गई है। कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र पहलवान रहे जगदीश कुमार का बिलासपुर के लखनपुर में हनुमान अखाड़े के शुभारंभ अवसर पर दर्द झलक कर सामने आया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुश्ती प्रतियोगिताओं को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हालांकि इसके विपरीत कोई भी कुश्ती एकेडमी प्रदेश में नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुश्ती का बहुत अधिक टैलेंट है, लेकिन उसे जीवित रखने का श्रेय केवल अपने स्तर पर ही आ रहा है। बिलासपुर शहर के लखनपुर वार्ड में हनुमान अखाड़े का शुभारंभ करने पहुंचे उपायुक्त विवेक भाटिया ने संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसलिए प्रशिक्षकों को चाहिए कि उनमें कुछ नया सिखाने का दृष्टिकोण हो। उन्हें नए सिखाने की चेष्टा होनी चाहिए, साथ ही कुश्ती के साथ चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी नशे से दूर रह सके। उन्होंने हनुमान अखाड़े के संचालकों को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में कुश्ती के लिए बेहतर वातावरण है, यहाँ से आने वाले समय में कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार होंगे, इसलिए पहले अंडर 14 व अंडर 17 के प्रशिक्षकों पहलवानों ने कुश्ती का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को अखाड़े के अध्यक्ष केश पठानिया व सेवानिवृत्त कमांडेंट इंद्रजीत कौंडल ने भी संबोधित किया। अखाड़ा कुश्ती क्लब की तरफ से मुझे निमंत्रण मिला था बतौर मुख्य अतिथि आने का। इसमें आज यहाँ आने पे भी पता लगा, उस वक्त भी बताया था कि यहाँ के जो सारे बच्चे हैं क्षेत्र के, उनके लिए एक बड़े ढांचागत तौर पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स में नेशन को और स्टेट को आगे रिप्रेजेंट कर सकें। तो मैं यहाँ आने पर अपना सौभाग्य भी समझता हूँ कि इतना अच्छा एक इनिशिएटिव जो है हनुमान अखाड़ा कुश्ती क्लब की तरफ से, सभी मेंबर्स की तरफ से और यहाँ के कोचेज जो हमारे हैं उनकी तरफ से लिया गया है। और धीरे धीरे मैं ये भी आशा करता हूँ कि बिलासपुर की कुश्ती जो है वो मशहूर है और यहाँ कुश्ती के लिए ना सिर्फ दर्शकों में बल्कि खिलाड़ियों में भी बहुत जोश है। तो अगर प्रशिक्षण के साथ अगर वो जाएंगे तो ये आशा है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में यहाँ बिलासपुर से और आसपास के क्षेत्र से कुछ बड़े नाम कुश्ती के क्षेत्र में हमें सुनने को मिलेंगे। और इसके लिए मैं सभी मेंबर्स को, सभी माननीय मेंबर्स को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ।